पिंड तनाज दे EWS कलोनी दे विच मंगलवार दी रात एक भरा ने अपनी भैन दा उदों कतल कीता जदों उसनू उस दे प्रेम संबंधा बारे पता लगा। मुलजम ने इस कतल नू खुदकुशी दा रूप देण दी साजिश रची। थाणा सारंगपुर पुलिस ने मुढले तौर ते इस नू खुदकुशी समझ के कारवाई कीती, पर जिला क्राइम सैल ने इस केस दा पर्दा फाश कीता। घटना की सूचना मिलदे सार ही DCC इंचार्ज इंस्पैक्टर जसमिंदर सिंह ने मौके ते पहुंच के मुआयना किया ते उत्थे खिलरे हुए समान अते खून दे निशान वेख के उन्हां नूं शक होया। DCC ने रात नूं ही कारवाई करदे हुए लक्ष्मी दे भरा विशाल नूं गिरफ्तार कर लिया। जिला क्राइम सैल वालों की गई पुछगिछ दे दौरान विशाल ने अपना जुर्म कबूल किया अते उस तों कतल दे विच वरत्या गया कटर भी बरामद कर लिया। पुछगिछ दौरान मुलजम विशाल ने प्रगटावा किया कि लक्ष्मी दे हरियाणा दे रेवाड़ी दे विच व्याही हुई अपनी चचेरी भैन दे सहुरिआं दे विचों एक लड़के दे नाल प्रेम संबंध चल रहे सन। इस रिश्ते दा प्रगटावा होण तों बाद परिवार दे विच वी झगड़ा होया। परिवार वाले ने लक्ष्मी दा व्याह उसे नौजवान दे नाल करन दा फैसला किया। हालांकि नौजवान व्याह दे लई तैयार नहीं सी। जानकारी अनुसार अनुसार मंगलवार नूं विशाल ने लक्ष्मी नूं नौजवान दे नाल व्याह ना करवाउण दे लई मनाउण दी कोशिश कीती, पर लक्ष्मी ने मना कर दिता अते फिर दोवां दे विचकार काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। विशाल ने कटर दे नाल लक्ष्मी दा गला वढ के कतल कर दिता ते दरवाजा बंद करके उत्थों दी चला गया। मुलजम विशाल दे पेशे वजो कारपेंटर है अते उसदा दोस्त सुरदर्शन भी उस दे नाल काम करता है जो तनाजा रहन वाला है। शाम 7 बजे दरमियान विशाल ने सुदर्शन नूं फोन करके दस्या कि उसने लक्ष्मी दा कतल कर दिता है।